रिलायंस के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी। नीता अंबानी द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के लिए जोरों पर टीकाकरण चल रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। नीता अंबानी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी रिलायंस के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के वैक्सीनेशन का खर्चा खुद उठाएगी। नीता अंबानी ने कहा कि सभी के समर्थन से हम जल्द ही इस महामारी को खत्म करेंगे, लेकिन तब तक सावधानी बरतते रहें। हम अब इस लड़ाई के आखिरी चरण में हैं, हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी और उन्होंने फैसला लिया है कि हम रिलायंस के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को फ्री वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। नीता अंबानी ने कर्मचारियों से अपील की है कि जो भी लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वह जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए बने सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जल्द से जल्द इस महामारी को पीछे छोड़ा जा सके। टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। नीता अंबानी से पहले देश की दूसरे सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर ने भी भारत में अपने कर्मचारियों के कोरोना टीकाकरण की लागत का बोझ खुद वहन करने की घोषणा की थी। इंफोसिस अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को फ्री में टीका लगवाएगी। एक्सेंचर भी अपने कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च खुद उठाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।